छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा ने चार्ज संभालने के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीजीपी ने कहा कि बेसिक पुलिस को और भी बेहतर करना है, अपराध रोकने के दूसरे तरीकों पर भी वो काम करेंगे। उन्होंने सभी एसपी को हर महीने क्राइम रिव्यू करने की बात कही है। ओडिशा से आ रहे गांजे की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए वहां के डीजीपी के साथ बैठक होगी। उन्होंने कहा कि पुलिस के सभी अधिकारी फील्ड पर काम करेंगे। चिटफंड कंपनियों के डायरेक्टर की गिरफ्तारी करने पर भी जोर दिया जाएगा। डीजीपी अशोक जुनेजा ने कहा कि पुलिस कर्मियों के साप्ताहिक अवकाश पर भी हम काम कर रहे हैं। कई जिलों में ये दिया जा रहा है और कई जिलों में अभी शुरू नहीं हुआ। पुलिस आंदोलन से जुड़े सवाल पर कहा कि पुलिस कर्मियों के लिए मकान बने, पुलिस कर्मियों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, अन्य मांगों की समीक्षा की जाएगी। आज डीजीपी का चालू कार्यभार संभाला है छत्तीसगढ़ का, और प्राथमिकताएं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना, बेसिक पुलिसिंग को जो लेवल पर है उससे और भी बेहतर बनाना, और चूंकि अभी नक्सल ऑपरेशन भी मेरे पास है, वहाँ पे भी हमारे पास विकास के काम काफ़ी निरंतर गति से हो रहे हैं, स्पेशली मानसून के समाप्त होने के बाद ये वर्किंग सीजन चल रहा है।